अकल से करो नकल। दूसरा यूज कर तू, न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री, समझ आ रहे, वेलनेस इंडस्ट्री, कुछ भी, समझ रहे हो? हाँ, टोटल वेलनेस। तो TW कॉन्सेप्ट सुना है हमने? TW क्या है? टोटल वेलनेस। ये अलग अलग हिस्से के अलग अलग डॉक्टर, ऐसा नहीं है शरीर अलग अलग नहीं है, शरीर तो कंप्लीट है, शरीर का कहीं पे भी सेल सही बना है, हार्ट का भी सेल, किडनी का सेल, सबका सेल सेम है, समझ आ रहा है? तो तू अगर यार जानना चाहेगा कि जो बीमारी हुआ है उसको कैसे ठीक करे, जो होने वाला है उसको कैसे रोक दे, तो डॉक्टर के पास अगर जाएगा इस बीमारी के लिए, फिर भी उसके पास थोड़ा बहुत हल हो सकता है, पर जो होने वाला है उसको रोकने के लिए उसके पास कोई, यानी तू ये बता सकता है कंप्यूटर में वायरस आ गया तो फॉर्मेट मारने का मेडिसिन है, पर जो आने वाला है रोकने के लिए कुछ नहीं है, यानी एंटीवायरस टाइप का। एनीवेज, तुझे अगर लगता है तुम भी अपने परिवार की खातिर इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी चाहते हो, क्यों दोस्त बने हो, ये आज जो डॉक्टर दवाई मेडिसिन काफी बार अखबार में आता है, उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में, अरे उस दिन NDTV भी दिखा रहा था, ये सबकी मिली भगत है जिनके चक्कर में हम मिडिल क्लास मर रहे, समझा रहे? ये काफी बार दिखाया जाता है, जो मेडिसिन जरूरत नहीं होता जबरदस्ती दिया जाता है, दुनिया में जो डेवलप कंट्री में जो मेडिसिन बिल्कुल बैंड है वो हमारे देश में चलते हैं। तो डिटेल्स इसके बारे में जानना चाहता है तो मैं तुझे बहुत जबरदस्त गाइडेंस दे सकता हूँ। मालूम नहीं वो बंदा टाइम दे पाएगा कि नहीं, पहले मेरे को अपॉइंटमेंट फिक्स करके देखना पड़ेगा। अगर तू सीरियस है तो बड़े डिटेल से पूरे शरीर हमारा काम कैसे करता है, समझ आ रहे, बीमारी होता क्यों है, रोकना कैसे। तूने कभी सुना है कोई फिल्म स्टार लोग डॉक्टर के पास जाता है? कम जाता है, वो पहले डाइटिशियन के पास जाता है। करीना कपूर की डाइटिशियन है रिजु दादी बेकर, उसकी 1 करोड़ की तनख्वाह है, वो लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो लोग सही खान पीन में बदलाव लाता है ताकि बीमारी ना आए। अब फिल्म स्टार लोग कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन कर सकते हैं, पैसा हम कैसे, पैसा से नहीं है जागरूकता, मरवाने की बात भी तो पैसा है, फिर उसके पेट इतना बड़ा क्यों है? आज पैसा का जमाना नहीं है, आज जमाना है अवेयरनेस का, इंफॉर्मेशन का। एनीवेज, हम लोग के लिए कुछ खबरी है कि हम जैसा मिडिल क्लास को भी इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्राइवेट डाइटिशियन की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बहुत ऑर्गेनाइजेशन अच्छी दिन में काम कर रहे हैं, अनेक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जानना चाहता है मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता हूँ, पहले मुझे उनका अपॉइंटमेंट चेक करना पड़ेगा, पहले तू सीरियस है कि नहीं बता, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ना तो अगर सच्ची में है तो मैं जरूर अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा, चल ठीक है, उसके बारे में बात करें। और बोल दोस्त, करियर के बारे में कैसा क्या चल रहा है? करियर सर जहाँ हूँ बी कॉम करके अच्छा, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा लगा कि तो जॉब के लिए सोच रहा है, पर छोटा मोटा क्यों यार? बड़ा करने के लिए दिमाग भी है, परसेंटेज भी हमारा क्या है, चेस्ट वाला है। अंबानी का क्वालिफिकेशन क्या था भाई? डोंट माइंड उनका था। फेसबुक का मालिक का, मार्क जुकरबर्ग का क्या क्वालिफिकेशन था? अमेज़न का मालिक का क्या क्वालिफिकेशन था? ओला उस फ्लिपकार्ट जो बनाया उसकी क्या क्वालिफिकेशन था? यार एक बात बोलूं, पैसा ना क्वालिफिकेशन से नहीं आता, जमाना बदल चुका है, पैसा ना दिमाग से आता है। एक टाइम था जब पैसे कमाने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आज देख ले IIT के इंजीनियर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं या कोई 12th पास फ्लिपकार्ट निकाल दिया वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ओला बना दिया वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जमाना बदल रहा है। पहले था तो गाड़ी खरीद किराए में डाल दे ट्रेवल्स में, एक गाड़ी जितना पैसा 10 गाड़ी ज्यादा पैसा, 50 गाड़ी ज्यादा पैसा, आज कुछ मत करे ऐप बना दे, एक ऐप बना दे, एक भी गाड़ी मत खरीद, बट सबसे ज्यादा गाड़ी ट्रेवल्स का बिजनेस उसका है, ओला उबर कॉन्सेप्ट बदल रहा है, ई कॉमर्स। तो अगर छोटा मोटा नहीं सच में बेहतरीन कुछ करना चाहता है तो मैं इस तेज में कॉलेज को मौका दे सकता हूँ। सवाल करो।
कोई भी इसको ही बात कर रहा है, बेहतरीन मौका दे सकता हूँ अगर तू सीरियस है तो। पैसा लगेगा उसका, ये क्या वो लोगों को जोड़ने का काम हुआ जोड़ने का हो तब तो मैं बोलता हूँ 2-4 किलो फेंडर फेविकॉल लेके आता यार। जोड़ने का काम तो फेविकॉल और डिंड्रेक का होता है। आजकल वो मोदी कह रहे हैं पूरा है, मोदी केयर मतलब नरेंद्र मोदी का नहीं, वो जो फ्रॉड ज्वाइन करो ज्वाइन करो अच्छा प्रोड्यूस करो ये बहुत लोग मुझे आजकल ऐसा बोलता है, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो इसके बारे में अच्छा से बोल सके, जब तेरे को मिले थोड़ा बोल तो और आगे। मैं सुना था अरे यार तू भी तो वही निकला फिर फ्रेंड बोला था, मुझे एक आदमी चाहिए इसके बारे में जिसको गहरा नॉलेज है, क्योंकि मेरे को आजकल एक आदत बनी है जो जानूंगा अच्छे से जानूंगा, थोड़ी बहुत थोड़ी से जिंदगी नहीं बनता है, कुछ अच्छा जानकारी है तो मेरे को बता ना, तेरे पहचान में कोई ऐसा है जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दे, अच्छा नॉलेज पढ़ाई किया इसके ऊपर। मेरा फ्रेंड ने 4 महीने पहले किया था छोड़ दिया, वो तो मैंने फ्रेंड 4 साल पहले शादी किया तो उसका बीवी छोड़ दिया, तो उसके मतलब तो मैं भी शादी ना करूं ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो मेरे फ्रेंड 6 महीने पहले बाइक लेके एक्सीडेंट किया, इसके मतलब ये नहीं मैं जिंदगी में बाइक ना खरीदूं। मेरे कुछ फ्रेंड तो 8 का बस पढ़ाई नहीं किया, मैं तो ग्रेजुएशन तक किया, उससे क्या लेना देना, फ्रेंड फ्रेंड का बाप है। मैंने बोलो अच्छा नॉलेज 2-4-5-10 साल दिया इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई कभी मेरे को बोल क्रिकेट की बात होगा तो नाम किसका आएगा, विनोद कंपनी का क्यों नहीं, अगर फिल्म का नाम आएगा फिल्म में जाना है, कुमार गौरव क्यों नहीं, 2 फिल्म का बाप है। जिंदगी यार सल्यूट करता है कामयाबी चाहे फील्ड कोई भी हो, इसलिए मैं पूछू इस इंडस्ट्री में कोई कामयाब बनता होता तो मेरे को बताना, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इसके ऊपर, क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अमेरिका में जितना मिलेनियर्स आ रहा है काफी लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर है, जिस इंडस्ट्री को बोला जाता है क्योंकि बोलो चेन या लोग जोड़ना तोड़ना ऐसा कोई काम गूगल के अंदर मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ मल्टी लेवल इंडस्ट्री, मैं जानता हूँ टाइम लिवरेजिंग इंडस्ट्री, टाइम बैंकिंग कॉन्सेप्ट, मैं जो सुना हूँ जिसके बारे में तू जो जिसके बारे में बोल रहा है तू थोड़ा नीचे लेवल पे बात कर रहा है, मैं थोड़ा उसके एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी एडवांस मेरे को जानना है, कोई होता तो मेरे को बताना। खैर मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में तेरे को बोल रहा हूँ ये एक ओपन डिस्कशन है हमारा करियर डेवलपमेंट के ऊपर। दोस्त मेरे को बता जिंदगी में हमें चाहिए क्या, अच्छा पैसा साथ में ईमानदारी के रास्ते साथ में लॉन्ग टर्म रोजगार है साथ में, यार दिन की 12-14 घंटे की चक्की पीसी वाला नहीं, थोड़ा टाइम फुर्सत मिले ताकि हेल्थ भी ठीक रहे परिवार को भी टाइम दू, सही बोल रहा हूँ। एक करियर से हमारा उम्मीद क्या क्या है, इनकम अच्छा है, रास्ता ईमानदार हो, सही है, स्टेबल हो, रेगुलर हो, प्रेस्टिजियस हो, सही है नहीं है, और 12-14-15 घंटे की बेंगलोर पुणे जैसा यार ये गधे की जैसा मेहनत नहीं, थोड़ी टाइम फुर्सत और छुट्टियां हो ताकि जिंदगी एंजॉय भी कर सको, सही है नहीं बोलना, करियर सही से हमें उम्मीद है, इससे ज्यादा कुछ मिल जाए तो बहुत ऊपर की बात होगी। तो मैं जो प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ उसमें ये सारा चीजें कंसिस्टेंट इनकम, क्या समझ आ रहा है, स्टेबल एक स्टेबल ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन एंड वे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अ न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ ई कॉमर्स के ऊपर, एक एक्सीलेंट प्रोजेक्ट ई कॉमर्स, जैसे मैंने बोला ओला डाल दो उबर का ऐप डाल दो, गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट बनाने की जरूरत नहीं है, स्विगी बना दो, सामान बेचने के लिए दुकान खोलो, सबकी दुकान तुम्हारे पास आएगा अमेज़न, ऐसे हमारे आपकी तो बड़े बड़े आदमी की बात बोल रहे हैं, बट ये छोटे लेवल पे भी अच्छा चल रहा है। सरकार की बहुत सारे स्किलिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नहीं सुन रहे IIMS के नाम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं उद्योगपति। पूरी जो टॉपिक है मेरा बात तेरे को समझ में ये तो समझ आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, एक से 1.5 घंटा टाइम चाहिए यार। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं मैं खुद ट्रेनी हूं अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं तेरे को बोलने चाहूंगा अभी नहीं बता सकते अभी बोलो, इससे ज्यादा मैं तेरे को बताने जाऊंगा तो शायद मैं इनकम्प्लीट बता दूं, और मैं नहीं चाहता हूं मेरे दोस्त के जीवन से एक बेहतरीन मौका मेरी नॉलेज की कमी के कारण तू वही मौका गवा दे। पहले मेरे को तू 2 चीज का सवाल जवाब दे, तू क्या पढ़ाई के साथ साथ सच्ची में फेसबुक व्हाट्सएप पबजी में देख हम लोग घुसे रहते हैं, क्यों घुसे रहते हैं, काम नहीं है इसलिए,
या कोई काम दे दे दिन में दो तीन घंटा का रोजगार करने का, तो क्यों इसमें हम घुसे? सही बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं? तो मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ, अगर तू बोलता है तेरे पास दो तीन चार घंटे टाइम है उसको इस्तेमाल करके तू कुछ करना चाहता है, देख ले एक बार, एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अगर लगता है इतना बेहतरीन नहीं है, कोई बात नहीं, चल पर आए जिंदगी ना, 10-12 हज़ार की जॉब तो रखी हुई है ना। फ्रेंड को बोला के लिए, मेरा फ्रेंड है वो भी क्लासमेट, उसको बोला के लिए राजनीतिक पार्टी बुलाया है, भीड़ इकट्ठा करना है। सॉरी यार, ये जो प्रोजेक्ट है बड़े चूजी और सिलेक्टिव है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट सीसी और उत्तर कन्नड़ में आगे बढ़ने के लिए ये कुछ एम्बिशियस लीडरशिप क्वालिटी, ऐसे कुछ क्वालिटीज जिनके अंदर है उनको ये ढूंढ रहे हैं। तो मेरे को लगा तेरा अंदर है, तुझे लगता है नहीं लगता, बट मुझे लगता है तेरे से तदिन मिल रहा हूं। दैट इज व्हाई मैं चाहता हूं ये मौका तू पहले अपना ले, देख ले, बाकी फ्रेंड रिश्तेदार पड़ोसी बाद में देखा जाएगा। पहले तू तो क्वालिफाई कर ले, कुछ पैसा वगैरह भरना पड़ता है। हाँ, कितना लाख है तेरे पास? यार अमीर आदमी है, पहले पैसे का बात करता है। पैसा वाला आदमी लग रहा है तू, बात करने की पहले पैसा का बात करता है। और आज की जिंदगी में फिर बता रहा हूँ, काम आज सफलता पैसे से नहीं आता है, आइडिया से आता है। वो फिल्म देखेगा, वो उसमें जो कौन सा फिल्म था शाहिद कपूर का, बड़े से बड़े बिजनेस आज पैसे से नहीं आइडिया से होता है। इट्स एन आइडिया टू ये जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, देख ले, जान ले, अच्छा लगे अच्छी बात, नहीं देखा अफसोस रहेगा, इतना बता सकता हूं। वो एक आदमी सुनने गया था एक बार वैसे ही, फिर उसको सेम पहले ऐसे ही बोला था, फिर बाद में पैसा भरना है तो उसको इंटरेस्ट था लेकिन पैसे का प्रॉब्लम था, इसलिए वो छोड़ के आया। मुझे बोल रहा क्या देखने के रिकॉर्ड बोलेगा? लेकिन पूरा नहीं बोला, ऐसे मिला था वो, लेकिन उधर पैसे बनने का यार अच्छा है, तो मैं भी तुमको भी कहता हूं। पहले मैं बता रहा हूँ, लड़की देखने जा रहे हैं शादी करने नहीं, लड़की जब देखने जाता है शादी करने जाता है क्या? देख ले, पसंद आया बता के बड़ा, नहीं पसंद आया कट ले। और शादी करने के टाइम पे तेरे को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तेरे को ही सिर्फ लड़की पसंद कर रहा है, लड़की वाला भी तेरे को पसंद करता है। प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही बात है, तू देख ले प्रोजेक्ट तेरे लिए कितना सही है, वो लोग देख लेंगे कंसल्टेंट लोग, तू कितना सही है। मेरे ख्याल में एज ए दोस्त मैं इंटरेस्टेड जो है सीरियस उनके नाम आगे रिकमेंड कर सकता हूँ। तेरे को बाद में पता चला था, और तेरे को जब पता चलेगा आने वाला दिन, क्योंकि मैं भी इस प्रोजेक्ट में एज ए कंसल्टेंट हूँ और काफी लोग आगे बढ़ रहा है, तो जरूर मेरे को बोलता कि यार एक बार मेरा नाम याद नहीं आया, मैं इस जिम्मेदारी की कारण तेरे नाम आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बाकी डिस्कशन के बाद तू अपना डिसीजन लेना, अपना डिसीजन लेना। फिल्म देखने नहीं जाता है दो घंटा? फिल्म अच्छा लगा तो क्या करता है? दो चार आदमी को बढ़िया लगा, बुरा होता है तो क्या बोलता है? अरे यार गया था बकवास था, खत्म। इतने तो है आप जो बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, अगर आपको विश्वास करना है तो फ्री में आते ना। कौन बोला नहीं थी इसमें? मेरा पहले भेजो क्वेश्चन पर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो नहीं बोलते, ये तो ट्रेनिंग का लैंग्वेज है। मैं जो इनवाइट करूं इसकी पर होगी ये इनवाइटिंग का, मेरा ये टोन है। मैं बुला के तो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो एक लगता है मुझे घर में पूछ के आपको बताता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा यार, प्यार भी तो घर पे पूछ के ही करता है ना, पबजी भी घर पे पूछ के खेलता हूं मैं। अरे यार दोस्तों के साथ जब पार्टी शादी है तो भी घर पे पूछ के रहता है यार, मजा कर रहे हैं। जिंदगी में इतना कितना गलत काम हो जाता है जो करना नहीं चाहिए वो कर लेते हैं बिना घर पे पूछे। करियर बनने के बारे में एक सब्जेक्ट जानना है, तुम बोलोगे तो घर को पूछेगा। मैं तेरे को बताऊं, प्रोजेक्ट में डिस्कशन करने का बाद हमारा सेकंड पड़ाव है
होम वेरिफिकेशन, उसके बिना हम लेंगे नहीं तो आना चाहिए कभी। ये हमारा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। महाराज मुकेश सर मोबाइल लेके चला तेरे को नहीं, तो तेरे पूरा परिवार के साथ होगा। एक चीज सोच ले, तेरे को पहले डिसाइड करना है 12वीं के बाद तू साइंस कॉमर्स आर्ट्स पढ़ेगा, पिताजी उसके बाद तेरे साथ जाएगा, तू चार कॉलेज से करेगा, पापा चारों में जाके तेरे को एक गाइड करेगा, पर चॉइस किसको करने का तू देख ले, तेरे लिए सही है कि नहीं। बाकी तो गार्जियन के साथ बात करना ही पड़ेगा। समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये जो मैंने डायरी से घर को पूछ के बताता साथ साथ देख से देख देख के जाए, बहुत अच्छा लगा यार, बुरा मत मानो, कितना तो गर्लफ्रेंड तो घर को पूछ के ही बताता है ना, एक को छोड़ के दूसरा सेकंड जो चेंज जो ऑपरे कर करो तो घर को पूछा लगता है। कभी कभी पार्टी शादी हो जाता है, पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके घर पे अंदर हो गया कोई पार्टी, पूछे करता है ना यार कम ऑन, इतनी तो मैच्योर हुआ है कि कुछ चीजें पहले हम जानते हैं, जब घरवाले की जरूरत होता है तो हम डिसीजन लेते हैं। है क्या मुक्का हिलेगा नहीं हिलेगा? और तू बोल रहा तू घर वाले को पूछेगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ हम लोग सबसे पहले तेरे घर वाले से डिस्कस करेंगे, पहले तू क्वालिफाई कर ले फिर तो सेकंड्स लेंगे। नेक्स्ट एक वीक फ्री नहीं काम इस हफ्ते में फ्री नहीं, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लग के तू बिजी है, ये भाई होना चाहिए। देख जिंदगी का कीमती वक्त हमें जो समझ आया है, कुछ दिन पहले हम भी ऐसे ही करते थे यार, जो समय निकलता गया 20-22 साल में निकल गया, आगे वाला दिन में भी क्या करूंगा, कोई लक्ष्य कोई टारगेट कोई मकसद नहीं था यार, लाइफ का पर्पस ही नहीं था, तू बिजी ही है बहुत अच्छा लगता है राइट। और मैं बता दूं तेरा तो इस वीक नहीं होगा और शायद उसके बाद अगला 3 वीक हम लोग का नहीं होगा, समझ आते नहीं यार। फिर भी तू अगर ये बताता है कि इस वीक के बाद, अच्छा इस वीक कब तक बिजी है तू? शनिवार से सैटरडे तक। अच्छा हाँ यार मैं तो भूल ही गया था, ओ फो मच वेल है ना, सैटरडे मतलब 18 तक, अच्छा हुआ यार, सॉरी मैं खुद ही 18 तक कहीं नहीं दे पाऊंगा, मैं भूल गया था मेरे को ही जाना है 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, मेरा ऑलरेडी प्री सिलेक्शन चालू है। अच्छा उसके बाद कब फ्री हो रहा है? मंडे से। मंडे कौन सा भाई? 12 से। देख पहले ये बता कि तेरे को ये जानने का इंटरेस्ट है नहीं है, फिर मैं आगे बात करता हूँ, क्या समझ आ रहे हैं? मैं अभी फोन लगा दो पहले सीनियर कंसल्टेंट, मंडे या ट्यूसडे टाइम दे सकते हैं कि नहीं, देखो चल अगर टाइम हो जाएगा तो अभी ब्लॉक करूं, नो प्रॉब्लम, करियर तेरी है। मैं एक बात बोलू, एक बार जाके एक रिवोल्यूशन सुना है, क्रांति, दिस प्रोजेक्ट इज लाइक अ रिवोल्यूशन। हमारा तेरे जैसा बहुत ओरिजिनल आदमी है, सपने हम सब देखते हैं, कामयाब सब कोई बनना चाहते हैं, ईमानदारी के रस्ते, बट बहुत कम होते हैं जिनको एक अच्छे मौके नसीब होते हैं, यानी एक ऐसा मौका है सच में हमारे जीवन में एक बहुत बढ़िया बदलाव ला सकता है, वही जानने का कोशिश है, 1-1.25 घंटे की बात है। अगर बार बार बोल रहे लगता है ये काम का है, आगे सोच, नहीं लगता है, जिंदगी तो चल ही रहा है ना, इसलिए इतना मैं तेरे को वादा कर सकता हूँ, तू पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद इतना बोलेगा कि यार इसमें मैं आ पाता हूँ नहीं आ पाता बात की बात, तुमने एक जबरदस्त लाइफ चेंजिंग जगह तो दिखाई। आज जो तू बोल रहा था ना छोटा मोटा जॉब, ये प्रोजेक्ट देखने के बाद तू एक चीज तो बोलेगा, कम पढ़ा लिखाई में भी छोटा नहीं मोटा इनकम मोटा काम किया जा सकता है, ये तो बोल के आएगा, ये पक्का है। अरे बदू डोंट मिस ऑन मंडे, बिकॉज मंडे को एक बेहतरीन सीनियर कंसल्टेंट का देगा बात है, बहुत एक्सपीरियंस सक्सेसफुल है, यंग डायनामिक हमारे जैसा ऐसा देख के तो लगेगा नहीं, पर वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी पैशनेट, बहुत जीरो से उस आदमी ने भी जिंदगी में काफी कुछ किया है, वो आदमी भी कभी छोटा मोटा जॉब का ही सोचता था, मिल के मजा आएगा। कुछ लाना है पहले खुद को ऑन टाइम,
लाना है अपने आप को और एक चीज तो करना है इधर, पहले वो बता तू कर सकता है क्या, फिर मैं आगे बताता हूँ। पक्का टाइम में आने का, SST नहीं, CST स्टैंडर्ड टाइम नहीं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि मैं जिस कॉलेज मैं इनके साथ तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ उनका लगातार या शेड्यूल बिजी रहता है, हालांकि अपनी उम्र कहीं है, अरे फ्रेंड जैसे ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, पर यार जिंदगी में जब मकसद मिल जाता है ना आदमी फिर टाइम बर्बाद नहीं करता, जब बिना मकसद के घूमते हैं तो हम टाइम बर्बाद करते रहते हैं। कहाँ पे आना है वो मैं डेट बता रहा हूँ, कौन सा शेड्यूल कहाँ पर, पहले तू अपना कंफर्मेशन दे देता हूँ, मैं आगे तेरे को आज ही बता दे रहा हूँ डेट और टाइमिंग, कौन सा डेट और टाइमिंग परफेक्ट होगा, क्या शेड्यूल, मैं तेरे को शाम को ही SMS कर रहा हूँ, मोटा मोटी तेरे को बोल के रख रहा हूँ कि 2-3 वेन्यू में हो सकता है उस दिन प्रेजेंटेशन, क्या समझ आ रहा है, एग्जैक्ट वेन्यू में कौन सी में तेरा फिक्स होगा उनके साथ अपॉइंटमेंट, वो मैं तेरे को शाम को एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, समझ आ रहा है। नेक्स्ट उधर क्या होता है ना, आप जो बता रहे जो गाइडेंस है तरह तो माइंड वॉश करते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग पकड़ पकड़ के जो दिखा देते हैं माइंड वॉश करके उड़ते हैं, माइंड करने का मन लगता है, माइंड किसका है तेरी या किसी और की, तेरे माइंड पे कोई घुस के वॉश कैसे करते हैं, सापेक्ष से एरियल से, यार अपने मन पे इतना काबू नहीं है, तेरे को जिंदगी में जब कपड़ा खरीदने गया दुकानदार कभी जबरदस्ती कपड़ा दिया या तेरा जरूरत था तुमने खरीदा, मोबाइल के अंदर को माइंड वॉश करके कोई खरीद के दिया, यदि इतने कमजोर माइंड के होंगे तब तो कभी IS वाला भी IS आतंकवादी बना के चले जाएंगे। एक बात बोल रहा हूँ, जानने के लिए बोल रहा हूँ, फिर रिपीट करो, लड़की देखने के लिए शादी करने के लिए नहीं, इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं यार, एक डेढ़ घंटा बैठ के डिस्कशन में हिस्सा लेगा, बढ़िया लगता है आगे सोचेगा, नहीं लगता है चल चलो, रिव्यू तेरी हाथ में है, आज कस्टमर की सबसे ज्यादा अधिकार है दुनिया में, कोई भी चीज खरीदने का पहले तेरा हाथ में ही है, 5 स्टार देगा या 0 स्टार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज के दिन में तेरी हाथ में पूरी राय है, तो कुछ भी रिव्यू दे सकता है कोई भी चीज के बारे में, सही गलत तेरी ऊपर है ना, रिव्यू अपने हिसाब से कर देना। एनीवेज एक बात बोलूं, इतना भी सोचने का नहीं है, 1.5 घंटा टाइम तेरे तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है, मोदी भी नहीं है, यार कम ऑन के 1.5 घंटा बैठ के प्रोजेक्ट जाने के बोल के इतना सोच रहा है, और ज्यादा सोचेगा तो दोस्ती खाती तो रही सकता है, नहीं चल कोई आतंकवादी डेरा में नहीं लेके जा रहा हूँ, कोई दाऊद के अंक साथ भी मिलाने नहीं जा रहा हूँ, करियर बनाने का एक बेहतरीन रास्ता, चर्चा करेंगे एज ए फ्रेंड, बढ़िया लगेगा, मिलके देखेंगे, अदरवाइज जिंदगी चल रहा है काट रहा है कटेगा, अभी हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते आए हैं इस क्वालिफिकेशन से तो जिंदगी में हैरान करने वाले कुछ होने वाला नहीं है, सही बोल रहा हूँ, पढ़ाई जब प्लेन बीकॉम बीए कर लिया उसी दिन तय हो गया, 12,000-15,000 की मालिच है हम लोग, सही है नहीं है बोल, 15,000 से करियर स्टार्ट करेगा, 5 साल में 20,000 में पहुंचेगा, 10 साल में 25 में पहुंचेगा, सलाह मरने के पहले 40,000 में पहुंचेगा, सही है नहीं है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला तो दिख तो नहीं रहा, ऐसे सही बोल रहा हूँ, मेरे को तो दिख नहीं रहा, तेरे को दिख रहा तो अलग बात है, मेरे को बता भी, चल ये प्रोजेक्ट छोड़ दे, तेरे पास जिंदगी में बेहतरीन कुछ करने के लिए कुछ मौका है तो मेरे को बता, मैं यार जिंदगी में एक चीज ठान लिया हूँ, नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकता यार, कुछ अलग कुछ हटके करना जिंदगी का मिलेगा दोबारा, मेरा मौका छोड़ दे, तेरे पास कुछ है बता, वो सोचते एक साथ पार्टनर से इतना आगे बढ़ते कुछ नहीं यार, ऐसा कोई है तो कुछ नहीं यार, मैं पिछले 6 महीने से रिसर्च वर्क किया, देख लिया बीकॉम क्वालिफिकेशन से बायोडाटा लेके जाओ और अपना भाव पूछो कंपनी में जाके मार्केट में जाके, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ देख ले जो मिलने वाला है मार्केट से उससे बेहतर है, जिंदगी में सबको ही बेहतर सोचता है, तू एक कंपनी में नौकरी कर रहा है 12,000 का, कल 15,000 का आएगा तो उसमें जाएगा, और परसों तक को 20,000 का कोई जॉब बोलेगा तो उसमें जाएगा, यानी लक्ष्य एक ही है, अच्छा पैसा कमाना है, ये नहीं बोल देख ले बस खत्म, ऐसा कौन तेरे को जबरदस्ती शादी दिलाई दे रहा है,
नेक्स्ट मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है सॉरी मैंने मेरे को अच्छा लगता है ये प्रेजेंटेशन मेरे पापा मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगे तो वो पैसे देने वाला है वो लोग तो मेरा इंजीनियरिंग करने का सोच रहे लड़की तेरे को लड़की पसंद है माँ बाप को पसंद नहीं है तू बेइंतहा प्यार करता है सवाल की बात में सवाल करूँगा देखो मैं तू किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता है मम्मी पापा राजी नहीं है क्या करेगा फिर मैं तेरा मेरा जवाब दे रहा हूँ बहुत अच्छा लगा यार तेरे साथ बात करना ना ऑलवेज इंटरेस्टिंग है तेरा एक चीज बहुत अच्छा है बोल क्या पूछे जो बोलते हैं सारा मुंह पे पूछता है ये बहुत अच्छी चीज है कुछ ना कुछ तारीफ करो वो सोच रहा तुम्हें क्वेश्चन करके बोल्ड आउट करेगा तुमने उसको तारीफ करके तो गैस में ऊपर कर दिया और ऊपर चढ़ाओ तो आदमी से कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाता है बड़ा खुश हो जाता है हाँ हाँ यस वो तो मैं हूँ यार मैं तो थोड़ा डायरेक्ट ही पूछता हूँ वो मेरा थोड़ा आदत ही है उठना और उठना जितने अहंकारी होगा उतनी आसान है उतना पिघलना आसान है यार इसलिए मैंने बोला प्रोजेक्ट पहले देख ले जान ले तेरे लिए पहले ठीक लगता है कि नहीं तू सोच ले तेरी पढ़ाई तेरे करियर तेरे बैलेंस इस प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है सुन सीधा बता रहा हूँ जैसे चाइनीज जापानीज लोग क्या करते मालूम है एक एवरेज जापानीज दिन में दो जॉब करता है जापान में इतना एक्सपेंसिव है रहना खाना पीना पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में क्या होता है मालूम है सुबह कॉलेज जाता है शाम को पार्ट टाइम करता है चाहे वो ओबामा का बेटी हो या डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया में क्या होता मालूम है एक पढ़ने को गया उसके लिए पापा पैसा दिया मम्मी टिफिन दिया दीदी ने कपड़ा अरेंज करके दिया इसलिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे अगर तेरे को लगता है कि एक चीज तेरे का एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाई मंगला का काम बाकी जो पबजी टिकटॉक और फालतू चीजें मेरी जिंदगी का कीमती वक्त जाया हो रहा है क्या इस अनप्रोडक्टिव टाइम से थोड़ी टाइम निकल के खुद के और खुद के परिवार के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है अगर दिखता है कि कुछ किया जा सकता है आगे सोचना नहीं लगता है छो पहले तेरे को कैसा क्या फील होता है वो देख ले फिर गार्जियन लेवल पे डिस्कशन जरूर होगा कि ये हमारा डेकोरम एंड सिस्टम है इस सिस्टम में बिना गार्जियन इंटरव्यू तू बोल रहा है गार्जियन देखेगा उनको अच्छा लगा क्या हम लोग उल्टा बोल रहे प्रोजेक्ट देख लेगा ओवरऑल फैमिली का होने का सिंक्रोन माइंड है मैं तो इस प्रोजेक्ट का सब कुछ नहीं हूं मैं एक जूनियर हूं जस्ट बाकी जो सीनियर कंसल्टेंट है उनकी तरफ से भी तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ता है अभी तक मैंने तेरे को प्रोजेक्ट के बारे में तुमने जाना ही नहीं प्रोडक्ट है या सर्विसेज है आईटी है या वेलनेस है पहले तो प्रोजेक्ट जानेगा फिर तो सवाल करेगा इसीलिए मैंने तेरे को डेढ़ घंटा क्यों पूछा 45 मिनट्स हमारे को चाहिए प्रोजेक्ट बताने के लिए 45 मिनट्स तेरा कोर्ट बॉल तेरे कोर्ट में सवाल पूछने के लिए और बुद्धिमान यही होगा प्रोजेक्ट जानने का बाद सवाल पूछ ले कुछ बेचने का नहीं है सबसे पहले काबिलियत डेवलप कर ले मूवी में 3 इडियट मूवी देखा था काबिलियत बनाओ कामयाबी झांक मार के पीछे आएगा बट काबिलियत बनाए कैसे इंडिया में बहुत सारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो बीए बीकॉम बीएससी देता है पढ़ाई का रोजगार का बीए बीकॉम बीएससी में देता है तो दिस प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है नॉट कर्मचारी देख ले आगे सवाल डेफिनेटली तेरा हर सवाल का जवाब दे और मुझे लगता है तेरे साथ जो डिस्कशन ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बंदे ऐसे ही चाहिए जो सवाल करें वेरी गुड ऐसा रहना जिंदगी भर कुछ भी चीज बिना पूछे बिना सवाल किए एक्सेप्ट मत करना दिस इज द राइट वे ऑफ लिविंग लाइफ सुनने के बाद क्या काम करने को क्या काम करने का तो प्राइमरी इनकम में जाएगा या सेकेंडरी इनकम में जाएगा क्या होता है तू फ्रेंचाइजी इनकम में जाएगा आप कौन सा कर रहे हैं मेरा अभी बोला ना मैं अभी JWC हूँ जूनियर वेलनेस कंसल्टेंट अभी मेरा 4BT चल रहा है 4 बेसिक ट्रेनिंग अभी मेरा अभी सर अभी जस्ट ADT और CSK हुआ है फर्स्ट फेज एटीट्यूड डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल इसके आगे मेरा काफी सारा ट्रेनिंग है रिसोर्स मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट देख सच बोलू मैंने 6 महीना पैसे के बारे में सोचा ही नहीं मेरे को 3 इडियट का डायलॉग याद है काबिलियत बनाओ कामयाबी नहीं तो मेरा फर्स्ट टारगेट है इस प्रोजेक्ट से अपनी क्वालिटी और स्किल को डेवलप करके एक लेवल पे लेके जाना इसलिए मैं पहला 6 से 8 महीना उसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ हाँ तेरा अगर ये सवाल है इनकम कितना होता है
तो मैं इतना बताऊं तो कितना बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैं कुछ अमाउंट बताऊंगा मुझे पता है तो अभी से अभी ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी होता है फ्रीक्वेंसी, रीचेबल भी हो उसके बाद नॉट रीचेबल, इतना बता यार। 15, 18, 22, 23, 25 बहुत कर रहे हैं हमसे आधा क्वालिटी के लोग। 40 से 55 की रेंज पे ढेर सारे मेरे जान पहचान वाले हैं और उससे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे हुंडावर के, हमारे कुंटा के यार, गांव के लड़के लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट की खासियत है तेरे अंदर जो क्वालिटी अच्छी बात है जो नहीं है ये ट्रेनिंग देकर डेवलप करते हैं। वही तो बोल रहा, देख ले आके। नहीं नहीं मेरे को मालूम है, वो गौरव ने बताया मेरे को, स्मार्ट वैल्यू है ना। क्या है स्मार्ट वैल्यू? वो कंपनी करता है ना, तू लोग 2-3 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है। इतना जब जानता है तो पूरा क्यों नहीं जाना यार जिंदगी में ना, कुछ भी चीज अच्छे आधा क्यों के जाने। वो सब बोलने की बातें रहता है, कुछ होता नहीं। वो सब वेरी नाइस, तब तेरे साथ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करूंगा, कसम दे रहा हूं स्मार्ट वैल्यू ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा। पूरी अधिकार तेरे पास है खराब रिव्यू देने का, पर रिव्यू जब खराब कोई देता है ना तो वजह भी लिखता है। कोई अगर कोई चीज का अच्छा रिव्यू देता है उसको पता चलना चाहिए किस लिए अच्छा रिव्यू, 5 स्टार। कोई अगर 1 स्टार देता है किस लिए 1 स्टार? तो मुझे तेरा 5 कार रीजंस दे दे। एक बात बोलिए, आज जिस प्रोजेक्ट में मैं हूं ना, मेरा ही ऐसा ही एक आधा अधूरा दोस्त के लिए मैं अपनी जिंदगी लगभग 1.5 साल पीछे चला गया। 1.5 साल पहले मुझे मौका आया था कोई दोस्त आके ऐसे ही थोड़ा डाल दिया कुछ। तेरे को अगर 5 लोग बताए कि स्मार्ट वैल्यू में कामयाब नहीं है, मैं तेरे को 500 लोग दिखाऊंगा जो करोड़पति है। शादी करने का पहले तू कौन सा दिख के जाएगा, कितने लोगों का माहौल में डिवोर्स हो रहा है या कितने लोग अच्छी जिंदगी जी रहा है? गाड़ी खरीदने का पहले क्या देखेगा, कितने लोग एक्सीडेंट किया है ये, कितने लोग गाड़ी लेके जबरदस्त अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है? कम ऑन, मोबाइल लेने के पहले तो क्या देखेगा, कितना लोगों का बैटरी बास्ट करके मर चुका है ये, कितने लोग मोबाइल से अच्छा फोटो खींच के सेल्फी दे रहे हैं? तो अगर गौरव से ये सुन लिया, गौरव भी तेरा दोस्त है मैं भी तेरा दोस्त हूं, गौरव से अगर इतना सुन लिया तो मेरे से बाकी सुन ले, उसके बाद तू अपना रिव्यू दे देना। नहीं यार मेरे को नहीं करना है, अभी मेरे सामने एग्जाम है, एक्सेलेंट। और मैं भी तेरे को बोल रहा हूँ करना है भी नहीं, लेकिन आधा जानकारी भी नहीं रखना है क्योंकि तू वायरस बन जाएगा, कोरोना वायरस। फिर तेरे से अनजाने में वायरस फैलेगा। मैं एक बात बोल यार, डोंट माइंड गौरव, तेरे को जो सोच दिया है मेरे को भी ऐसा दोस्त ने भी कोई प्री मैच्योर सोच दिया था। जब मैंने भी बैठा प्रोजेक्ट देखने में उसके ऊपर इतनी गाली आया मेरे को कि बिना जाने क्योंकि क्यों वो दोस्त मेरे को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करके एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में अननेसेसरी नेगेटिव सोच दे दिया। मैं भी तेरे को बोलूँ बिल्कुल मत कर, पर जानकारी रख ताकि सलाह किसी को तू भी देगा ना, जान के सलाह दे यार। कोई अगर तेरे को पूछे ये रोड किधर है, एक बोल इधर है या तो कोई मालूम नहीं। महीने 3 महीने के बाद मैं मैंगलोर जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, अगर मैं अभी सुनने के लिए आया और इधर किया और उधर जाने के बाद। तू शादी करने का पहले ही बोल रहा है, 2 बच्चा हो गया, 2 के बदले में 4 हो गया, 4 जुड़वा हो गया, अभी तक शादी तक ही बात नहीं आया, तू बच्चे तक आ गया, बच्चे का शादी तक आ गया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ देख, जो जेन्युइन क्वेश्चन से मेजोरिटी वही करता है, क्वेश्चन 10,000 हो सकते हैं, जेन्युइन 10 में से 8। अच्छा क्या क्या बोल के इनवाइट कर सकते हैं? और बार बार मैं बोल रहा हूँ इनवाइटिंग का लास्ट वर्ड ही याद रख भाई, 1 घंटा समय लेके जानने के लिए बोल रहा हूँ, आना ना आना, विचार करना, एनालिसिस करना यार। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना ये फर्स्ट ईयर है, इसके बाद 3 सिलेक्शन राउंड है, डिस्कशन राउंड, रिव्यू राउंड, विचार उसमें करने का, ये सिर्फ जानने का राउंड है। और मुझे लगता है आज के दिन कोई भी चीज हम देखते पहले गूगल करते हैं। और माय फ्रेंड जब तक ये प्रोजेक्ट बताया जाएगा ना, बताया नहीं जाएगा, बाकायदा उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट से लेकर गूगल एवरीथिंग तू कर लेना, सारे इंफॉर्मेशन जो वहां से मिलेगा क्रॉस चेक जरूर करियो।
तो मेरा फ्रेंड है वो अलग बात है, क्या समझ आ रहा है? बट कोई भी चीज जानने के बाद ये तेरा भी अधिकार है, आज के दिन इंटरनेट का जमाना कोई छुपाया नहीं जा सकता है। बड़े 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 देश का अमेरिका का कितना इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाता है, टर्म की इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाता है, कोई कुछ छुपता नहीं आज के दिन में। प्रोजेक्ट देखने के बाद तेरे पास पूरी अधिकार है, पूरी तो गूगल कर ले, गवर्नमेंट वेबसाइट से देख ले, देखने के बाद विचार कर। पर मैं इतना बोलूंगा, बिना जाने अगर तू कोई पहले से आइडिया मन में रखेगा, एक अफसोस की बात भी हो सकता है कि एक दिन एक ही घंटे का तो बात था, क्या जान नहीं सकता था? ये मैं तेरे को बताऊंगा, बार बार ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करेगा, देख ले सही लगता है, आगे सोच, नहीं लगता है रहने दे। पर इतना मैं बता सकता हूं, मेरे राय अगर तू बोलेगा, इट इज एन एक्साइटिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट 21st सेंचुरी का। ये क्या नेटवर्क है? मैंने नेटवर्किंग किया है, फिर छुपाने की बात ही नहीं है। कौन सा कंपनी किया है? कोई एक नाम वाम बोला, वेरी गुड। नेटवर्किंग में जब गया था तालाब में क्यों गया, समुंदर में क्यों नहीं? यार नेटवर्क ही जब करना था, क्या कोई छोटे मोटे तालाब जाके गंदा पानी में नहा के आए? तो नेटवर्किंग का समुद्र को तो देखना चाहिए। पहला शादी सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके मतलब जिंदगी में कवारा नहीं रहता है, बुढ़े उम्र में भी मरना था, दूसरा शादी करूं। कौन सा कंपनी में तो किया था, मुझे मालूम है उसकी प्रोडक्ट क्या। सबसे बड़ा बात उसकी ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, क्या उनके पास 3-tier ट्रेनिंग सिस्टम है, बेसिक एडवांस लीडर्स ट्रेनिंग, क्या समझ आ रहा है? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास टाइम प्रूफ सिस्टम है? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट टीम है? क्या उस वो कंपनी टाइम टेस्टेड है? क्या मेरा समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा अगर तू कोई कंपनी में काम किया भी है और उसमें कामयाब नहीं हुआ है, इसके मतलब ये नहीं कि उस इंडस्ट्री में तू जिंदगी भर के लिए नाकामयाब है। देख ले, तेरा आइडिया ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि तू ऑलरेडी इंडस्ट्री में था, तो तेरा मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तू बेहतर समझेगा। बाकी आगे का बात आगे देखा जाएगा। ये बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जब कोई ऐसा डायरेक्ट रिप्लाई देता है, नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क है ना, दो चीज देखने का है, पहले वो नेटवर्क जानता है किया नहीं, और एक नेटवर्क किया है। कोई एसोसिएट जब जाता है, एक पहली तो बात है इनवाइट करने के लिए माइंड सेटअप चाहिए, उसको स्ट्रेंथ जुगाड़ करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। हाँ नहीं, अभी लेके जब जाता है वहाँ पे, फास्ट जैसे ही कोई अगर अटैक किया, नेटवर्क है ना, तो उसी टाइम में उसका ये किंतु आधा हो जाता है। वही तो बोला, उसको तो पकड़ना उसी बात पे, उसको लग रहा है नेटवर्क है, ये बोल के मैं इसको गिरा दूंगा, और उसको साइकोलॉजिकल जीत है। गेम में, इंडिया पाकिस्तान की गेम में क्रिकेट कम, साइकोलॉजिकल लड़ाई ज्यादा होती है। उस टाइम उसकी जब बोला चाहिए फर्स्ट से, यार नेटवर्क क्या है पर बताएगा मुझे, क्योंकि मैं शब्दों पर ही तेरे को जा रहा हूं। नेटवर्क ये बहुत एक अननेसेसरी स्पेकुलेटेड वर्ड है। नेटवर्क मोबाइल का होता है, नेटवर्क ब्लड सर्कुलेशन का होता है, ब्लड सर्कुलेशन नर्वस सिस्टम नेटवर्क होता है। बाकी नेटवर्क क्या बोले तो नहीं, वो जोड़ने वाला जो काम, तोड़ने वाला जो काम, मुझे लगता है फिर तो वर्ड्स गलत है। तो ये बोल सकते हैं ये क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है? नेटवर्कर बोल रहा है, कोई नेटवर्कर है, डायरेक्ट बोल रहा है, नेटवर्कर बोल रहा हूं, नेटवर्कर है, तो नेटवर्कर को हैंडल कोई जनरल प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको इमीडिएट उसकी सीनियर से बात कराना पड़ेगा, उसके घर पे घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। जो नेटवर्कर है, अरे सर आप इंडस्ट्री के हो, पर मुझे लग रहा है आप, मुझे लग रहा है अगर आप इंडस्ट्री के हो तो इंडस्ट्री की हीरा अभी तक आप तलाश नहीं पाए किसी कारण से। अरे सर आप, अरे अरे सर आप नेटवर्कर हो, पहले बताना चाहिए। फैंटास्टिक सर, आई से कंपनी में थे यार, आई मस्ट रिस्पेक्ट योर, आई मस्ट रिस्पेक्ट द इंडस्ट्री, चाहे कोई भी कंपनी से हो, एज ए क्रिकेटर आप पाकिस्तान के भी हो, एज ए क्रिकेटर आई शुड रिस्पेक्ट यू। तब तो सर आपको समझाने की बात ही नहीं है, तब तो बस एक रेवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। वैसे कौन से कंपनी में है कुछ वो एग्जांपल, इसीलिए तो बोला, अगर नेटवर्क में है कौन सी कंपनी में था, अगर वो बोलता है मैं फेलियर हूं तो अलग बात है, अगर वो बोलता है नहीं मैं नेटवर्क के बारे में बहुत नेगेटिव नहीं हूं, तब उसको बोलना है सर अगर ऐसा है, अगर आप इंडस्ट्री के हैं तो इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन पे पर देख लीजिए, एक मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया कंपनी इतना कमाल कर सकता है सर, तब पहले देखे नहीं। क्या नेटवर्क का केस है 10 में से इन लोगों को 6 जैसा कहते 100 में 2 मिलेगा, ज्यादातर तो बीकॉम बी ए बी एस सी सही है नहीं है, उनसे टाइम निकालना है,
और मेरे ख्याल से बात करने का देख नेटवर्क के चेने जो है, जो लोग नेटवर्क के दूसरे कंपनी के इन्वाइट में जाता है, क्या जानता नहीं है नेटवर्क में जा रहे हैं तो फिर क्यों जा रहे हैं? जब कोई प्लान देख रहे हैं बोर्ड प्रोजेक्टर दिख लिया सब बैठ गया तो वो जानता नहीं है नेटवर्क होने वाला है तो क्यों बैठा हुआ है? आदमी क्या देख क्या था ड्रिम देख भाई, नेटवर्क है सेटवर्क है या जेटवर्क है मतलब नहीं है, मतलब ये माल है फॉर अचीवमेंट है ग्लैमरस लाइफ स्टाइल है। मैं जो प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ इनमें ये सारे मौके हैं देख ले, बहुत लोग बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। हमारे यहाँ का अश्विन बोल के दादा है मालूम है, 4-3.5 साल से बलेनो कार ले लिया है। हमारे यहाँ का लड़का एक लड़की है क्या चेतना, मलेशिया घूम के आइए देखेगा तो लगेगा हड्डी, बोल रहा अपने टीम पे एग्जाम्पल दे। अगर तेरे को लगता है नेटवर्क कस्टमर नेटवर्क भी कोई शब्द नहीं होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री होता है, नेटवर्क मोबाइल का होता है। अगर कोई इंडस्ट्री एक छोटी सी पतली हड्डी एक्सरे को भी एक मलेशिया बेच सकता है, प्लेन बीकॉम को बलेनो दे सकता है 4 साल में, तो साला नेटवर्क ना हो जेटवर्क हो मतलब क्या है देख ले। ठीक है, और बाकी वर्ड्स क्या इस्तेमाल करोगे जैसे लोन न्यूट्रिशन सुपर फूड इंडस्ट्री समझ आ रहे, ई कॉमर्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट, टाइम कंपाउंडिंग साइंस के आधारित एक प्रोजेक्ट, क्या समझ आ रहे, 21st सेंचुरी का एक लेटेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, कुछ भी शब्द कुछ भी इस्तेमाल करो कुछ भी उसमें आता जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इनवाइट तुम लोग क्यों ढंग से करा नहीं पाते हो, कि तुम सब लोगों ने जिंदगी में कुल मिला के 25 को इन्वाइट किए है तो अपनी कोठा कम है कमजोर है। अरे कमजोर कोठे से लोगों को सिखाना मुश्किल होता है, क्या मेरा बात समझ आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए किसी को भी लीडर चुनने की पहले कोई भी बंदा 2-3 देखिए, जैसे हम लोग ऑफर देता है 3 ज्वाइनिंग में ही, जो 3 ज्वाइनिंग गोवा में लिया फटाफट उसको रगड़ो, बोले तो 3 दिया है तो 10 दे सकता है, चल 3 लोगों को लेके गोवा चलेंगे। 2 टाइप के लोग होंगे हमारे बिजनेस में, 10 लोग आएंगे 4 लोग प्रोडक्ट लेके खत्म, 3 लोग आया देखेगा 1 आधा ट्रेनिंग देगा खत्म, 2 लोग है जो ज्वाइनिंग देगा, जो देगा जो 3 दे सकते हो 10 दे सकते हैं। पर हमारा प्रॉब्लम है 3 ज्वाइनिंग निकलने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, फिर नए को पकड़ते हैं। मेरा बस सही बोल रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उसकी लिस्ट बिल्डिंग पर कोई नजर ही नहीं है, उसका जो 3 लोग आ चुका है अब 3 को इन्वाइट कराते हैं और उस बंदे को छोड़ देते हैं। अब दिक्कत क्या होता है, 3 जो टीम है 3 की टीम एक टाइम 20 का बना पर ऊपर का जो बंदा था उसका तो 3 ज्वाइनिंग का ही एक्सपीरियंस है, तो वो अपने टीम से जब बैठेगा वो भी उसके जूनियर से 3 डीडी निकल लेगा, सोचेगा बहुत कुछ किया है, जो 20 डीडी दिया है वही अपनी टीम से 20 डीडी निकाल सकता है, सही है? तो इन सेकंड लेवल पे फोकस करो, जो अपकमिंग लेवल है जो 3-4 डीडी दे रहे इनको नेक्स्ट पर्सनल ज्वाइनिंग के ऑफर तुरंत मारो। क्या मेरा पास क्लियर हो रहा है? क्यों ये जरूरी है सर? सर वो ज्वाइनिंग देगा तो कितना देगा? 10 देगा, 10 से नेटवर्क बनेगा, 10 ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में 50 को प्लान दिखाएगा, ये जो 50 अलग अलग इन्वाइट करेगा वो बनेगा इन्वाइट के बापू चैंपियन स्पार्टन। अब वो इन्वाइटिंग लर्न इट डू इट टीच इट, लर्न इन्वाइटिंग डू इन्वाइटिंग टीच इन्वाइटिंग। अब जब खुद इन्वाइटिंग कमजोर करता है तो टीम बनने के बाद भी टीम से इन्वाइटिंग ला नहीं पाता है, तब रुकता है। दादा 20 का टीम बना है काम नहीं कर रहा है, अरे 20 में 16 काम ना करे 4 तो करेगा, और कोई नहीं कर रहा है तो टीम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरा है, समझ रहे? तो इस एरिया को थोड़ा फोकस करो कि जो तुम्हारे फ्यूचर लीडर है, फ्यूचर लीडर कर जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसकी पर्सनल ज्वाइनिंग पर नजर रखो, और आदमी जितना पर्सनल ज्वाइनिंग देना है पहला 2-3 महीने में देगा, उसके बाद वो कभी नहीं देगा। सो जो 3 दिया है वो 10 ज्वाइनिंग दे, लगे तो उसके ऊपर सीनियर से डिस्कस करके पर्सनल ऑफर रखो, ठीक है? ठीक है, तो इसके ऊपर जोर लगाओ, इन्विटेशन के ऊपर टीम को लेके बैठो, लिस्ट बिल्डिंग को लेके बैठो टीम का, लिस्ट बिल्डिंग से आप लोग मदद करो, और अगर कोई बंदों को अपने बार बार सिखाने का बाद भी इनवाइट नहीं हो रहा है, एक एक दिन एक एक बंदे को लेके निकलो, चल तेरे दोस्तों से मिलता हूं। क्या सर इनवाइट करेंगे? बिल्कुल नहीं मिलूंगा, कहा है तेरे दोस्तों की स्मॉल लिमिट, चल जाके ऐसे ही मिला दे, जाता नहीं कभी कभार अपने दोस्त को लेके बाइक पे बिठा दे, जाते नहीं जाते, एक दोस्त रखते ये मेरा दोस्त है ये इसका नाम सोहेल है, सोहेल भाई वो मेरा दोस्त के बारे में बोल रहा था, लोकेश ये लोकेश है, लोकेश वो मैं बोल रहा था ना,
बहुत जबरदस्त पढ़ाई के साथ साथ ये भी एक बेहतरीन करियर बना रहे, एक एक्सीलेंट क्वालिटी है जिनके बारे में सुन रहा था। जो बंदा इन्वाइट कर ही नहीं पा रहा है उसको तो ट्रेनिंग दे के मोटिवेट नहीं कर सकता। दो चार जाके मार्केट से इन्वाइट करके लाके दे तेरे को सल्यूट करेगा, वाओ सर क्या अपलाइन हुआ, मैदान में उतर के टीम के सकता हूँ। तो इस तरीके से काम करो, सुपर फूड इंडस्ट्री के ऊपर एक नया वर्ड है TWC, टोटल वेलनेस। टोटल वेलनेस क्या है? टोटल वेलनेस इज डॉक्टर जो होता है पार्शियल ट्रीटमेंट, अलग अलग हिस्से का अलग अलग चीज है, अलग अलग इलाज। इसीलिए देखने का आदमी 20 दवा यूज करता है, हार्ट के लिए अलग, किडनी के अलग, लंग्स के लिए अलग। बट आज के दिन में US से लेके यूरोप में सारे डेवलप कंट्री में लोग काम कर रहे हैं टोटल वेलनेस के ऊपर। अगर आज के दिन में बोला कि कोई स्मार्ट पेन लूं तो कुछ कुछ को जगह पर लाइट पेन भी यूज कर सकता है। तेरा कंपनी का नाम क्या है? वी आर ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर इज लाइट पेन, ऑर्गेनिक फूड पार्टनर इज नेचुरल, आईटी पार्टनर इज APLL। क्या समझ आ रहा है? किसका नाम करूं? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसा आज होता है ना कोई भी प्रोजेक्ट, मीडिया पार्टनर बोलते हैं कि नहीं, लाइक दैट। तो व्हाट, तू कुछ भी यूज कर सकता है, टोटल वेलनेस राइट, सेलुलर न्यूट्रिशनल हेल्थ CNT, सेलुलर न्यूट्रिशनल थेरेपी। बचपन से सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है हाउ टू डू इट, हाउ टू प्रिवेंट, जानता नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट आया उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या समझ आ रहे हैं? वेलनेस इंडस्ट्री जूनियर वेलनेस कंसल्टेंट JWC। उसके बाद बोले आगे क्या करना पड़ेगा, बोले ट्रेनिंग अच्छा हुआ, काबिलियत अच्छा हुआ तो SWC लेके आए, बोले सीनियर वेलनेस कंसल्टेंट। और फिर उसके बाद अगर टॉप पोजीशन में जाए LWC लेके लीडरशिप वेलनेस कंसल्टेंट। जैसा जैसा लेवल है क्या वैसा वैसा बोनस है, इंसेंटिव है, ऑफर्स है, ट्रिप्स है, इन वन वर्ड लुक्रेटिव लाइफ। ठीक है, बेहतरीन देख ले, नहीं तो 15,000 की जॉब ट्राई। कैसा मजा रहा है बोल के, वो भी उसको थोड़ा बता देगा ताकि वो फिर अगर लास्ट में ये समझ दे मेरा औकात कितना है, इतने जो सवाल कर रहा हूँ कौन सा उखाड़ लूंगा जिंदगी में, ऐसे भी पार जाके। और अगर फिर भी अगर बोल रहा है किसी ज्यादा क्वेश्चन बोल रहा है उससे बोल, लड़कियों का हाथ सुनकर तो प्रपोज कर देता है। या फिर मैं तुझे बोल रहा हूँ देखने की थी, लर्निंग करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। और कुछ कुछ जगह पे प्लान शो बनाने के लिए इंतजार मत करो, बारात लेके आएगा तब तुम प्लान शो करोगे। कोई जगह पॉस्पिटल में मेरा दो इन्वाइट है पर उनको ला नहीं पा रहा हूँ, चल मैदान में बिठा, चल मैदान में बिठा, मैं जाके प्लान शो करूँगा। तो प्लान शो घर पे जाके भी डिफरेंट जगह पे मिल के भी करो, पैटर्न्स के ऊपर टाइम ले लो, मिलो तो सही, प्लान शो हो भी नहीं सकता जब मिला, मिलने के बाद इनवाइट कर, चल तू, चल तू अपने दोस्त को बुला, फूड कोर्ट पे बुला, मॉल का मैं मिलता हूँ जाके, ठीक है।